गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ओके, टुडे वी रीड लेसन 10 इन ईवीएस. द चैप्टर्स नेम इज फूड वी ईट. फर्स्ट यू गो टू गूगल, देन राइट www.oxfordadvantage.co.in, देन क्लिक ऑन ऑक्सफोर्ड एडवांटेज. Then write your login name. Then write your password. Then click on sign in. It will take a little bit time. Then write your class. The class is class 2. After that, click on my book. Then these books are come. These books comes. After that, you select the chapter. Chapter is lesson 10. फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उस चीज़ के बारे में ये चैप्टर है. वी ईट डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट मील्स, हम अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग खाना खाते हैं. राइट डाउन एनी 3 फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट फॉर द फॉलोइंग मील्स. आपको इनमें कोई भी 3 फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपको पसंद हो खाने में अपने अलग अलग मील्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में यू लाइक टू ईट बिस्किट, मिल्क, फ्रूट्स. देन इन द लंच, राइस, वेजिटेबल्स. And pulses. And in dinner, we eat fish, spinach, green vegetables. Okay. Now, let's read the lesson. We start. We eat food to live. हम खाना खाते हैं जीने के लिए. Food gives us energy to do our work and play. Food हमें energy देती है, ताकत देती है हमारा काम करने के लिए और खेलने के लिए. It also helps us to stay fit. ये हमारी मदद करती है fit रहने के लिए. वी मस्ट ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरह का खाना, हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने. द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन ग्रुप्स. जो खाना हम खाते हैं उसे 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, देन बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड.
सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड. फूड आइटम्स लाइक वीट, राइस, शुगर एंड मेज गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड आइटम्स जैसे कि गेहूँ, चावल, चीनी, मेज, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. मेज मतलब मक्का. देन बॉडी बिल्डिंग फूड. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, पल्सेस, बीन्स, एग्स, चीज, मीट, फिश एंड चिकन हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी. फूड आइटम्स जैसे कि दूध, दाल, बीन्स, अंडा, चीज़, मीट, फिश एंड चिकन, ये हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब कि ग्रो करने के लिए. दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड टू बिल्ड मसल्स. बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और हमारे मसल्स को बनाने के लिए. मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. दूध हमारे बोन्स, हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. देन प्रोटेक्टिव फूड. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. फ्रूट्स, फल, सब्जियां और नट्स हमें बचाते हैं बीमार पड़ने से. दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. Then sources of food. We get food from plants and animals. कौन कौन से सोर्स होते हैं खाना कहाँ कहाँ से मिलता है. हमें खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से. We get foods like milk, eggs, meat, fish and meat products from animals. हमें खाना मिलता है जैसे कि दूध, अंडा, मीट, फिश, मीट प्रोडक्ट्स एनिमल्स से मिलते हैं हमें. We get fruits, vegetables and pulses from plants. मतलब कि हमें खाना मिलता है जैसे कि दूध, अंडा, मीट, मछली और मीट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं एनिमल से, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल हमें मिलती है प्लांट से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एज दे हेल्प अस टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं हमें बढ़ने में, स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने में और स्ट्रॉन्ग रहने में. सो नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन. आफ्टर दैट वी डू एक्सरसाइज. सो लेट्स डिस्कस. Circle the correct option. We eat food to grow. हम खाना खाते हैं grow करने के लिए. So tick grow. And also write it here. Then we should eat. हमें कैसा खाना खाना चाहिए? Healthy. So we write healthy. Wheat and rice are. ये कैसे फूड है? एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स. सो यहाँ राइट एनर्जी गिविंग. वी गेट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम. हमें अंडा और दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल्स. सो राइट एनिमल्स. देन डैश हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कौन हमारी हेल्प करता है हमारे बोन्स, हमारी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में? दैट इज मिल्क. आफ्टर दैट गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच. सबसे पहले आपको लिखना है एनर्जी गिविंग फूड. सो वी राइट वीट
rice and sugar. These are all energy giving food. Then bodybuilding food, examples are milk, pulses and eggs. After that, protective food. Protective food कौन से होते हैं? Fruits, vegetables, and nuts, mostly. Then vegetables. Write any three vegetables name. Any you write. I write spinach, beans, tomato. After that, fruits, that is apple, banana, and papaya. So, this is the exercise of lesson 10. I hope you all understand.